गाइज़ वेलकम बैक टू टाइम टू रीड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेस्थ का चैप्टर इफ आई वर एन एप्पल जो कि एक पोयम है आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एक्सप्लेन करेंगे इसके अलावा इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं जितनी भी, है, भी एक्सरसाइजेज हैं उनको रीड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे सो लेट स्टार्ट पोएम से स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री आई थिंक आई ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी आई वुडेंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय आई विल फॉट डाउन एट वंस एंड सेट मी ईट मी माई बॉय सो अब इसकी एक्सप्लेनिशन देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि इस पोएम में एक लड़का है आप देख सकते हैं पिक्चर में सो so, वो लड़का सोच रहा होता है कि अगर मैं एक एप्पल होता एप्पल मैंने क्या होता है सेब होता है और मैं एक पेड़ पर उगा हुआ होता तो मैं क्या करता किसके ऊपर गिरता एक अच्छे लड़के के ऊपर गिरता किसकी तरह मेरी तरह इसमें वो अपने आप को अच्छा बता रहा है और मैं क्या करता उससे मैं एक ही बार में गिर के उसको बोलता कि मुझे खा लो मेरे माई बॉय राइट सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन कम टू द न्यू वर्ड्स वर्ड्स में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है एप्पल एप्पल यानी क्या होता है सेब होता है राइट नेक्स्ट वी हैव बॉय सो बॉय यानी क्या होता है लड़का राइट एंड अगेन वी हैव ईट ईट तो आपको पता होगा ईट यानी होता है खाना राइट नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप ड्रॉप यानी होता है गिरना एंड जॉय यानी होता है खुशी राइट सो कम टू नेक्स्ट दिस वॉज द न्यू वर्ड्स सो नाउ वी हैव लेट्स रीड आई लाइक टू ईट एन एप्पल वी कैन क्लैप अवर हैंड्स विद जॉय इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इसे पढ़ कर छोड़ देना है जैसे हमने अभी इसे पढ़ा नाउ वी हैव रीडिंग इज फन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स नाउ फर्स्ट वी हैव वेयर इज द एप्पल अब हमें इसमें पूछ रहा है कि जो एप्पल था वो कहाँ था सो so, एप्पल कहाँ होता है ऑन अ ट्री राइट यानी वो पेड़ के ऊपर होता है ना राइट सो नेक्स्ट वी हैव वेयर इज द बॉय अब हमसे पूछ रहा है कि जो बॉय था वो कहाँ था सो बॉय कहाँ था वो भी ऑन अ ट्री क्योंकि वो तो क्या बन गया था एप्पल बन गया था तो वो भी ट्री पर था राइट हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल सो अब इसमें पूछ रहा है कि वो लड़के को एप्पल कैसे मिल सकता था सो so, हम यहाँ लिखेंगे बाय क्लेम्ड अप ऑन अ ट्री राइट यानि उसको कैसे मिलेगा एप्पल पेड़ पर चढ़ कर उसको एप्पल मिलेगा राइट right? बिना चढ़े थोड़े ना मिल जाएगा सो नेक्स्ट वी हैव लेट स्टॉक डू यू लाइक एप्पल क्या आपको सेब पसंद है सो so, हम यहाँ लिखेंगे येस राइट एंड नेक्स्ट वी हैव हैव यू एवर क्लिम्ड ए फ्रूट ट्री सो अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप एक पेड़ पर कभी चढ़े हैं सो so, अगर आप चढ़े हैं तो आप येस लिख सकते हैं मैं नहीं चढ़ी हूँ तो मैं नो लिख रही हूँ राइट लेट्स कम टू दी नेक्स्ट नाउ वी हैव लेट शेयर हमें यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड बनी हुई है यहाँ पर एक बी बनी हुई है सो so, रीड करते हैं इसे आई इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डैश ब्रैकेट बाय फ्लाई एंड क्राई सो इसमें पूछ रहा है कि अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ता या रोता ओबियसली आप उड़ते ही राइट सो हम यहाँ फ्लाई लिखेंगे नेक्स्ट वी हैव इफ आई वर अ बी आई वुड बज चिप सो आप बर्ज होते ना सो so, हम यहाँ बज लिखेंगे कम टू नेक्स्ट नाउ वी हैव लेट्स रीड एंड राइट सो ये वर्ड्स ट्रेसेबल हैं आप इसको खुद भी ट्रेस कर सकते हैं एस टी यू वी राइट कम टू दी नेक्स्ट नाव वी हैव से अलाउड सो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है सिर्फ इसको पढ़ना है जोर जोर से जैसे यहाँ लिखा है एप्पल ड्रॉल प्यूपल रिपल थ्र्यू ग्रियू फ्यू म्यू कॉल फॉल राइट कम टू दी नेक्स्ट नाव वी हैव वर्ड फन फिल इन द लेटर्स टू कम्प्लीट द्रॉस वर्ड पजल यूज़ द पिक्चर्स एज क्लूज टू फाइंड द फ्रूट राइट सो हमें यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दिया गया है जिसमें हमें फ्रूट्स के नेम्स भरने हैं आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऑरेंज दिया गया है सो ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है ओ आर ए एन जी ई यहाँ पे पहले से लिखा है राइट सो नेक्स्ट वी हैव ग्रेप्स सो ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है जी आर ए पी ई एस Right? So राइट सो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर हमें ग्रेप्स हो गया सो so अब हमें क्या दिया गया है बनाना दिया गया है स्वामी so क्या लिखेंगे बी ए एन ए एन ए बनाना राइट एंड नेक्स्ट वी हैव पीयर पी ई ए आर पीयर राइट एंड नेक्स्ट वी हैव मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो राइट right? एंड नेक्स्ट वी हैव एप्पल राइट सो एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है ए डबल पी एल ई राइट सो इसी तरह से आपको ये पूरे भरने हैं आप इसे खुद भी कर सकते हैं अब मैंने इसको फिल कर दिया है कम टू दी नेक्स्ट विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट से वाई यू लाइक इट फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश सो so, अब हमसे पूछ रहा है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है सो so, मेरा फेवरेट फ्रूट है आ, मैंगो सो so, इसमें बोला है कि पहले आपको अपनी भाषा में उसे लिखना है देन इंग्लिश में लिखना है सो so, मैंगो को क्या बोलते हैं आम बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंगो राइट सो दिस वॉज द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग